नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद JR यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो से हम रिट लेवल 2 के SST सब्जेक्ट जो सामाजिक अध्ययन विषय है इसकी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको रिट की संपूर्ण जानकारी व सिलेबस बता दिया था, जिसमें मैंने आपको लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का कंप्लीट सिलेबस बताया था और इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप रिट की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप इस सिलेबस वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले हमें उस एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना ज़रूरी है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो रिट लेवल 2 है इसके एग्ज़ाम में कुल 4 भाग आते हैं। भाग 1 में आपकी साइकोलॉजी आती है, भाग 2 में आपकी लैंग्वेज 1 आती है, भाग 3 में लैंग्वेज 2 आती है और भाग 4 में SST यानी कि सामाजिक विज्ञान या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है साइंस मैथ जो भी है, हम इसमें SST की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। तो मैंने भाग 4 में SST लिखा है। अगर आप साइंस मैथ से हैं तो आपके भाग 4 में साइंस मैथ सब्जेक्ट आएगा। और क्वेश्चंस की बात करें तो साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के होंगे और लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे और लैंग्वेज 2 में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे और जो सब्जेक्ट SST है इसके 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। और इसके अलावा हमारे जो चैनल है इसमें भाग 1 साइकोलॉजी का भी तैयारी शुरू करवाई जाएगी जल्दी, तो आप बने रहें इस चैनल के साथ। और इसके अलावा लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 इनकी भी तैयारी शुरू करवाई जाएगी। फिलहाल मैं अभी भाग 4 SST की तैयारी शुरू करवाने जा रही हूँ सबसे पहले। तो इसीलिए आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक स्टडी विद JR यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके का आपको एक रेड बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको प्रेस करके आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर इसके बाद एक आपको बेल आइकन भी दिखेगा और आपको इस बेल आइकन को भी प्रेस करना है, जिससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम भाग 4 के SST जो सामाजिक अध्ययन विषय है इसका अध्ययन आज के इस वीडियो से शुरू करने जा रहे हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सामाजिक अध्ययन का सिलेबस बता देती हूँ कि क्या क्या हमको इसमें पढ़ना है और इस चैनल पर आपको कौन कौन से सामाजिक अध्ययन के टॉपिक्स कराए जाएंगे। वैसे कंप्लीट सिलेबस मैं करवाऊंगी, वन टॉपिक वन बाय वन हम लेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट है वो है भारतीय सभ्यता संस्कृति समाज। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, भारतीय समाज, विशेषताएँ, परिवार, विवाह, लैंगिक संवेदनशीलता, ग्रामीण जीवन व शहरीकरण, ये वाले सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा है मेरा सिलेबस वाला, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि सेम जो SST का हमने सिलेबस देखा था वो का वही है। मैं इसको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये लेक्चर 1 है और 1 में मैं सबसे पहले सिलेबस लेती हूँ, कि इससे क्या होता है कि हमें पता होता है कि हमें पढ़ना क्या है। हम जो रिट की तैयारी करने जा रहे हैं तो रिट का जो सिलेबस है तो उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं सबसे पहला जो फर्स्ट मेरा जितना भी लेक्चर होता है तो उसमें सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखाती हूँ कि हम ये टॉपिक सारे इसमें कवर करने वाले हैं हमारे आने वाली वीडियो में। तो इसीलिए आप सबसे पहले आज सिलेबस देख लीजिए, फिर नेक्स्ट जो अब मेरा वीडियो आएगा वो आएगा सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर। सबसे पहला टॉपिक यही लेंगे, फिर इसके बाद वैदिक संस्कृति, फिर इसके बाद भारतीय समाज की विशेषताएं, फिर परिवार, विवाह, लैंगिक संवेदनशीलता और ग्रामीण जीवन शहरीकरण। इस तरीके से हम टॉपिक वाइज इसको पढ़ देंगे। नेक्स्ट है मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल। सेकेंड यूनिट में हम ये पढ़ेंगे राजनीतिक इतिहास और प्रशासन, भारतीय संस्कृति प्रति योगदान, गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां और भारत 600 से 1000 ईस्वी का और बाहरी विश्व से भारत का सांस्कृतिक संबंध, ये सारे टॉपिक कवर करेंगे हम सेकंड यूनिट में। फिर इसके बाद यूनिट 3 है SST की मध्यकाल व आधुनिक काल। इसके अंतर्गत हम भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन, मध्यकालीन सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशा, फिर है भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, फिर है 1857 की क्रांति, फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, और फिर है पूर्ण जागरण एवं सामाजिक सुधार, और इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1919
47 ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। फोर्थ यूनिट में हम देखेंगे भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र। इसमें हम सबसे पहला टॉपिक देखेंगे उद्देशिका, फिर है मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य, इसके बाद है धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक न्याय, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉप हमारी यूनिट 5 है सरकार, सरकार का गठन और कार्य। इसमें है संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, पंचायती राज, नगरीय स्वायत्त शासन, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। फिर इसके बाद 6 यूनिट है पृथ्वी के प्रमुख घटक। तो पृथ्वी के प्रमुख घटक में सबसे पहले हम स्थलमंडल, फिर जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, चट्टानों के प्रकार, पृथ्वी की सतह, परिवर्तनकारी आंतरिक एवं बाह्य शक्तियाँ, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है संसाधन एवं विकास। तो इसमें हम संसाधनों के प्रकार, संसाधन संरक्षण, मृदा, खनिज और ऊर्जा संसाधन, कृषि, उद्योग, मानव संसाधन पर टॉपिक्स ये वाले देखेंगे। नेक्स्ट है फिर 8वीं यूनिट है भारत का भूगोल। 8th यूनिट में हम भारत का भूगोल एवं संसाधन वाले टॉपिक्स देखेंगे। इसमें फर्स्ट नंबर पे है भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, बहुउद्देशीय योजनाएं, कृषि फसलें, उद्योग, परिवहन, जनसंख्या, जन सुविधाएं, विकास के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम और उपभोक्ता जागृति, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। 9 नंबर पे है 9 यूनिट है राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन। तो इसमें है भौतिक प्रदेश, जल संरक्षण एवं संग्रहण, कृषि फसलें, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, परिवहन और नेक्स्ट उद्योग एवं जनसंख्या। तो ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं हम। और यूनिट 10 में हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। इसमें प्राचीन सभ्यताएं एवं जनपद देखेंगे, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे, राजस्थान का एकीकरण, फिर इसके बाद राजस्थान की विरासत एवं संस्कृति, इसमें आएंगे किले, महल, मेले, त्यौहार, लोक कलाएँ, हस्तकलाएँ, ये सब देखेंगे। इसके अलावा राजस्थानी साहित्य, इसके अलावा पर्यटन, विरासत का संरक्षण, ये सब हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट है 11वीं यूनिट है शिक्षा शास्त्री मुद्दे फर्स्ट। इसमें हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति, कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं और क्रियाकलाप एवं विमर्श, ये वाले टॉपिक्स देखेंगे। फिर नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्याएं, समालोचनात्मक चिंतन का विकास, ये वाले टॉपिक्स देखेंगे। फिर नेक्स्ट 12 यूनिट है, लास्ट यूनिट है शिक्षा शास्त्री मुद्दे सेकंड। इसमें है प्रच्छा अनुभाविक साक्ष्य, शिक्षण अधिगम सामग्री एवं सहायक सामग्री, प्रायोजना कार्य और मूल्यांकन, तो ये सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। तो SST की जो तैयारी शुरू हम कर रहे हैं, तो SST के अंतर्गत हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। और ये टॉपिक्स ना केवल आपके रिट में काम आएंगे, बल्कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये सारे टॉपिक्स आपके काम आएंगे। जैसे कि मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता की, हमारा सबसे पहला टॉपिक हम जो ले रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता ही है। तो इसमें जैसे कि मैं बात कर रही हूँ सिंधु घाटी सभ्यता की, तो ये ऐसा नहीं है कि आपके केवल ये रिट में ही काम आएगा, बल्कि इसके अलावा आपके सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इनमें भी है, तो इनमें भी आपके काम आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक है ये सेकंड ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड की अलग अलग है, ऐसा नहीं है। ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये टॉपिक मैं शुरू करूंगी तो ये आपके और भी एग्जाम्स में काम आएगा। रिट के साथ साथ और जो एग्ज़ाम है आप अपना सिलेबस जरूर देखिएगा। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले अपना सिलेबस आप अपने सामने रखिए, उस सिलेबस में देखिए अगर सिंधु घाटी सभ्यता ये टॉपिक है तो आपके ये बिल्कुल निश्चित तौर पर ये काम आएगा ये वाला टॉपिक। इसी तरीके से जैसे कि मौर्य काल है, गुप्त साम्राज्य, ये जो टॉपिक्स हैं इसी में जो मैं वीडियो बनाऊंगी ये भी आपके रिट के साथ साथ जो अन्य गवर्नमेंट एग्जाम है उनमें भी आपके टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, मोस्टली होते ही हैं सारे एग्जाम्स में। तो आप ये टॉपिक्स देख लें, अपना सिलेबस चेक कर लें, मैच कर लें। अगर आपके है मौर्य काल है तो आप मौर्य काल की जो मैं बनाऊंगी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इसी तरीके से मैं ये टॉपिक्स वाइज सारे कवर करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी सबसे पहला वीडियो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का ही आएगा, तो बने रहें इस चैनल के साथ। जल्दी SST का टॉपिक जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।